प्रणिपात, मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगी आर्ट कॉलेज में जो एडमिशन टेस्ट होती है वहाँ पर जो फिगर ड्राइंग आपको करने को देते हैं या फिर जो मॉडल स्टडी की ड्राइंग आपको करनी होती है वो आपको कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग पूरे डिटेल डिस्कस करूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको बताऊंगी कि वो ड्राइंग आप कैसे परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। तो बिना स्किप किए वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। सो आइए फिगर ड्राइंग शुरू करती हूँ। सो गाइस, अभी शुरू करते हैं ड्राइंग। तो मॉडल स्टडी ऐसे होती है, देखिए ऐसा कोई मॉडल आपके सामने बैठा रहता है तो उसको देख के ड्रॉ करना होता है। अभी के लिए मॉडल स्टडी मैं डायरेक्ट तो आपको लाइव नहीं दिखा सकती क्योंकि कहीं से मुझे मॉडल तो नहीं मिलेगा। तो एक फ़ोटो थी मेरे पास कॉलेज की मॉडल स्टडी के वक्त का, तो आज उसको ही मैं ड्रॉ करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली ज़्यादा 2B से ही करना अच्छा होता है, 2B 4B HB से कम करना होता है। सो HB पेंसिल को कम यूज़ करना ही बेटर होता है। मैं अभी सिर्फ बेस लाइन के लिए इसको यूज़ करूँगी, उसके बाद 2B 4B से बाकी ड्राइंग करूँगी। सो पहले मैं बीच में से एक स्ट्रेट लाइन खींच रही हूँ। आप चाहो तो स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। सो ये लाइन खींचने पे आपको जो मिडिल पोर्शन होता है फिगर का वो अच्छे से मालूम होता है। अभी कितना करना है छोटा या बड़ा फिगर को, क्योंकि आपको पेज के अंदर इसको डालना पड़ेगा पूरा। तो अगर आप हेड को इतना बड़ा कर दोगे तो आपका पूरा जो फिगर है वो तो इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको देख लेना होता है पहले कि आप कितना बड़ा ड्राइंग करोगे। ऐसे ये 3 साइज़ की या क्वार्टर शीट आपको मिलेगी। तो ड्राइंग तो आपको कंपोजिशन वाइज करना होता है, ऊपर कुछ जगह आपको छोड़ना पड़ता है, नीचे भी छोड़ना पड़ता है ताकि जो ड्राइंग वो अच्छी दिखे पेपर पर। तो मैं इतना सा जगह तो ऊपर से छोड़ दूँगी। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं हेड तो मुझे इतना इसके लिए पूरा इतना जगह मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अभी। पहले जो फेस का शेप है उसको आपको कर लेना होता है। ये मैं बिल्कुल अपनी जो टेक्निक है वो अप्लाई कर रही हूँ। सच बताऊँ तो ड्राइंग की कोई अलग से टेक्निक नहीं होती, आप जैसे आपका इजी लगे आप वैसे कर सकते हो। ये जो मल्टीपल लाइंस मैं ले रही हूँ इसका कारण है, आपका अगर कोई लाइन गलत हो तो कोई और लाइन, यहाँ पर मल्टीपल लाइन रहेगा तो एक को फाइनली चूज़ कर सकते हो और बाद में फाइनल लाइन होने के बाद आप इसे रेज भी कर सकते हो। सो पहले मैं पूरा फिगर को ब्लॉक ब्लॉक करके प्रोपोर्शन ड्रॉ कर रही हूँ। पूरा जब प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फाइनल आउटलाइन एकदम प्रॉपरली ड्रॉ करूँगी। सो पहले पेंसिल को एकदम हल्के से स्केच की तरह करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है क्योंकि इरेज करने पर वो लाइन की मार्क रह जाती है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी करते हैं हथेली और उंगलियों के कुछ पार्ट्स। तो पहले हथेली के जो ब्लॉक है उसको पकड़ना ज़रूरी है। तो ब्लॉक ड्रॉ करने के बाद फाइनल आउटलाइन ड्रॉ करने के समय डिटेल करके आप उंगलियों को ड्रॉ कर सकते हो। सो ईयर को ड्रॉ करने के लिए पहले आई और नोज़ की लाइन ड्रॉ कर लेना ज़रूरी होता है।
इसके बीच में होती है एयर की पोजीशन। फुल फिगर की ब्लॉक तो कंप्लीट हो चुकी है प्रोपोर्शन ड्राइंग। अभी मैं जो फाइनल आउटलाइन है वो डिटेल करके ड्रॉ कर रही हूँ। तो बहुत सारे लाइन मैंने ड्रॉ किया था पहले, अभी उनमें से जो सही से आउटलाइन बना हो उसको मैं लूँगी, बाकी को इरेज कर दूँगी। सो गाइज, अभी मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ। जब आप मॉडल स्टडी करने के लिए जाओ या फिर आर्ट कॉलेज में एडमिशन टेस्ट देने के लिए जाओगे, तो मॉडल की जो साइड फेस वाली लुक होती है ना उसको ड्रॉ करो, या फिर जो कोने फेस वाली लुक होगी उसको आप ड्रॉ कर सकते हो। ये जो मॉडल आपको दिख रही होगी ये तो बिल्कुल आपको साइड से दिख रही होगी, तो ऐसा ही जो साइड फेस वाला लुक होगी वो आप लो, जो सामने एकदम फेस टू फेस जो लुक होता है एकदम सामने बैठ के, वैसा लुक मत लो ड्राइंग करने के लिए। ये साइड फेस वाला या फिर कोने फेस वाला लुक अगर आप ड्राइंग करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखो। सो गाइज, मॉडल जिस टूल पर बैठी होती है या फिर जो चेयर पर, उसको ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसको प्रोपोर्शन वाइज ठीक से ड्रॉ करना होता है। तो उस चेयर को अब जब ड्रॉ करो तो स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो स्ट्रेट लाइन के लिए, और वो प्रोपोर्शन वाइज सही हो ये आपको ध्यान देना होगा। सो गाइज, ये कंप्लीट हो गया है लाइन ड्राइंग से। तो मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में कोई शेडिंग नहीं किया है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ लाइन ड्राइंग से ही करना होगा, तो इसलिए कोई शेडिंग या हैचिंग वगैरह यूज़ मत कीजिए। ये ड्राइंग करने को आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा, तो उसी के अंदर आपको ये करना है। सो गाइज, इसके साथ मैं कुछ और लाइन ड्राइंग आपको दिखा रही हूँ जो मैंने पहले किया था। तो ये है लाइन ड्राइंग मेनली। तो फिगर प्रैक्टिस के लिए मैं पहले जो आउटडोर होती है वो आउटडोर में जाके लोगों को ड्राइंग करता था, तो आप भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप कोई फ़ोटो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसलिए आप लाइव करो तो आपका फ़ायदा होगा। सो गाइज, ये है मेरी कुछ लाइन ड्राइंग और कुछ मॉडल स्टडी, कुछ आउटडोर स्टडी। तो यहाँ पर जो दो आपको दिख रहे होंगे ये और ये सेम है, ये मैंने कॉलेज में किया था सेम मॉडल, तो उसी का फ़ोटो था मेरे पास जो मैंने आज लाइन ड्राइंग किया है। तो ये वाली ड्राइंग आप लोग देख लो, यहाँ पर आपको हैचिंग दिख रही होगी, ठीक है। तो ये तो एक क्लास वर्क था, मतलब इसको कंप्लीट जो ड्राइंग होता है शेडिंग करके वैसा वाला, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये हैचिंग वगैरह कुछ, शेडिंग वगैरह कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल ऐसा करना है। एग्ज़ाम में वो आपको बोल भी देंगे कॉलेज में, तो जैसा बोलेंगे आपको वैसा करना है, ठीक है। तो ये कंपेरिजन है, ये शेडिंग वाला है और ये सिर्फ लाइन ड्राइंग है। तो ये आपको समझ लेना है कि लाइन ड्राइंग बोले तो आपको सिर्फ लाइन ड्राइंग से ऐसे ड्राइंग करना होगा, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। तो गाइस, ये है फुल मॉडल स्टडी की फिगर ड्राइंग। तो मैंने यहाँ पर दो ड्राइंग रखी है, एक पहले वाली जो कि फुल शेडिंग के साथ किया है मैंने, और एक आज जो लाइन ड्राइंग किया है। तो मैं आज ऐसे ही शेडिंग करके कर सकती थी ड्राइंग, लेकिन मैंने सिर्फ लाइन ड्राइंग किया इसलिए क्योंकि आर्ट कॉलेज में सिर्फ आपको लाइन ड्राइंग करने को बोलते हैं ज़्यादातर। अगर आपको शेडिंग करने को बोले तो वो अलग बात है, उसके लिए आप ऐसे कर सकते हो हैचिंग का इस्तेमाल, लेकिन आर्ट कॉलेज में सिर्फ लाइन ड्राइंग से ही बनाने को बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिफरेंस समझाने के लिए इसको रखा है यहाँ पर। तो ये वाली ड्राइंग तो मैंने फ़ोटो देख कर बनाई है मॉडल की, क्योंकि अभी तो सामने मॉडल रख के प्रैक्टिस करना संभव नहीं है, क्योंकि मॉडल कहाँ मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो घर पर, तो किसी मेंबर को सामने बिठा कर प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि फ़ोटो देखकर ऐसे कुछ ठीक से होता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है करने में, मुझे भी होती है।
सामने मॉडल बैठी हो तो करने में ज़्यादा अच्छा लगता है और प्रैक्टिस भी अच्छे से होती है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो किसी मेंबर को सामने बिठा कर 10-15 मिनट के लिए स्पीड प्रैक्टिस कर सकते हो। गाइस एक बात मैं क्लियर कर दूँ, इस साल कैसे एग्ज़ाम होगा आर्ट कॉलेज में ये अभी तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि कैसे ऑनलाइन में संभव है क्या, मतलब लॉकडाउन तो अभी चल रहा है। तो आप लोग इसका अपडेट लेते रहिए वेबसाइट में, अगर मुझे भी कोई अपडेट मिलेगा मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मॉडल स्टडी कैसे होती है या फिर कुछ भी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए ड्राइंग रिलेटेड ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।